फौजिया फौजिया बेटा कुछ खा ले बेटा। दाल तूने बना ली है, माँ के हाथ से खा ले, माँ के हाथ से खा ले बेटा। ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहे हम इसकी वजह से, इसलिए भेजते थे तुझे घर से बाहर। किस लिए बाहर जाती थी ये? किसकी वजह से जाती थी ये बाहर? अरे इसके तेवर शुरू से ही ठीक नहीं थे अम्मा। तारी बस कर दे, खुदा का वास्ते तुझे बस कर दे, कितना बेहालत हो गया है तू। निकल यहाँ से, बाहर निकल, तुझे शर्मिया ही बहन के बारे में इस तरह कहते हैं। अम्मा आप मेरी बात समझ नहीं रही। हाँ उसने जो किया है वो कुछ नहीं करेगी। जितनी डिटाई से हमें जवाब देती थी ना, उतनी डिटाई से अब जी भी लेगी। दबा जाते यहाँ पे, दबा। फौजिया, फौजिया मेरी बच्ची, कुछ कर दे फौजिया। इसे कॉल कैंसिल करने का मतलब नहीं मालूम। क्या कह रहा है, क्या हो गया आखिर? हेलो व्हाट? नाराज है मुझसे? माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, खामोश हो जाते। छोड़ के चले गए आपको अकेले? नहीं बेटे, तुम्हारी जीत नहीं मेरी जीत है। तुमने मुझे नहीं खुद को छोड़ दिया। गलती इंसान से ही होती है, उससे सीखना या उसको आदत बना लेना ये हमारे हाथ में। तुम
आदमी नहीं हूं बात। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता। समझते हैं यार, तुम लोगों की सुनना शुरू कर दोगे ना तो बस वो परेशान ही करेंगे तुम्हें, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ परेशान देखना चाहते हैं। मैंने तुम लड़की को जानते हैं? जी। साथ काम करते हैं? जी। उससे बात करने की कोशिश की तुमने? कोशिश की थी। सब सिर्फ सच तो नहीं हो सकते, कहीं कोई कमी रह जाती है। स्टार इस बात का होता है कि कहीं हम मुकम्मल झूठ ना बन जाए, क्योंकि अपने सच और झूठ को सिर्फ हम ही पहचान सकते हैं। कुछ कह सकता हूं बाबा? एनीथिंग बेटा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस जाने अनजाने। सुनकर अच्छा लगा कि मेरा बेटा अभी भी सही और गलत का फर्क समझता है। ग्रेस अंडर प्रेशर। तुम्हारी पसंद की सब्जी बनवाई है, दोनों साथ खाएंगे। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मे बी ट्राई लिल हार्डर। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आप लोगों को ख्याल आ रहा है मुझे रिप्लेस करने का? देखो वहीद, एक कहानी के भी कितने स्टेजेस आते हैं, प्रोडक्शन का काम भी इसी तरह है। किससे काम कराना है, किससे नहीं कराना, ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और वैसे भी इस किरदार की जो स्क्रीन एज थी, तुम्हारी उम्र उसके हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही थी। बाद में लोग हम पे तनकीद करते हैं कि हमें कास्टिंग करना नहीं आती। यानी आपको अब ख्याल आ रहा है कि मेरी उम्र ज्यादा है? देखिए वहीद साहब, सीधे अल्फाज में लीड एक्टर्स आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं। उन एक्टर्स के कहने पे आपने मुझे रिप्लेस कर दिया? वेट यानी सिंसेयर और मेहनती आदमी की कदर ही नहीं है आप लोगों को? तो वो सलार खान जैसे लोग चाहिए, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, बस आपके मयार पे पूरे उतरने चाहिए हम जैसों का करियर खत्म करने के लिए। मैं मजाक कर रहा हूं यहां पे। सॉरी, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि कितनी दफा सलार खान ने तुमको यहां पर रिकमेंड किया। जब भी आता था कहीं ना कहीं से जिक्र निकाल लेता था। ये तो हम लोगों ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। सलार इंसान जैसा भी हो, एक बहुत अच्छा एक्टर और एक लाजवाब दोस्त। आज की तहलका खेस खबर, क्या यह है कंट्रोवर्सी के दरमियान एक और कंट्रोवर्सी? जी, मशहूर सहाफी मोना हैदर सलार खान के साथ फिर तकल्लुफ मुलाकात। क्या यह है एक नया स्कैंडल या महज सहाफियों को खरीदने की एक कोशिश? आखिर ऐसी क्या बात कर रहे हैं ये दोनों?
आइए बात करते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दानिश अहमद से, जो कि होटल इंतजामिया से बात कर रहे हैं। जी दानिश। हाँ एग्जैक्टली, भागना ही था, छुप गया होगा कहीं जाके। वी शुड नॉट लेट दिस गो, जब भी बाहर आए। यस यस चीप मैन, तुम भी पता करो और सोशल मीडिया पे सॉर्टर नहीं रुकना चाहिए। यू नो पीपल दे फॉरगेट। यस भेज रही हूं कुछ देर में, ऑलमोस्ट डन। मुर्तजा इनॉग्रेशन की पिक्चर्स तो लगाओ यार, सब मुझे ही बताना पड़ेगा। ओह सॉरी। जी जी
हेलो जी आंटी, बात हुई मानूर से? व्हाट? हाँ 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 अश्वंत साहब, आप प्लीज कुछ कीजिए, वो जेल में कैसे रहेगा? देखिए अशांत साहब, तो आ करें कि वो लड़की बच जाए, वरना जो मामला आपने मुझे बताए हैं उस हिसाब से तो बड़ा मुश्किल है। आपके लिए क्या मुश्किल है, सिर्फ एक फोन करने की देर है। मनी क्या थी, कोई और चक्कर? नहीं। आप राफे के लिए किसी डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे? ओह, आपको तो पता है कि नशे की हालत में सही और गलत का होश कहाँ रहता है। ठीक है, अभी मेरी फ्लाइट है, मैं फिर वापसी पे आपसे इस मामले पे बात करूंगा। ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करके फिर आपको बताता हूँ। साले अमीरजादे, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं और उनकी बिगड़ी हुई औलादें हम संभाल। ऐसे माँ बाप के साथ यही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, वक्त देना चाहिए। टॉक लाइक एडल्ट। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे आप, हम इतने खुश नसीब कब से हो गए? जी कहिए। खुद को बदतर रखने के लिए पहली बार किसी को इतना गिरते हुए देखा है। आपको क्या लगता है, आपकी इन चीप टैक्टिक्स से मैं डर जाऊंगी या मेरे करियर या रेपुटेशन को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मोना, आई रियली लाइक यू एंड नथिंग पर्सनल, मैं और आप एक रेस में हैं, एक ही चक्की में पिस रहे हैं, जहां कभी कभी फैसला ठीक आ जाता है और कभी कभी गलत। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ईमान की आवाज हर औरत की आवाज है, आवाम की आवाज है। ये वो आवाज है जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन आप काम के साथ साथ रिश्ता भी निभा रही हैं। देखिए, है तो ये आपका जाती मामला, लेकिन वो आपके दोस्त हैं या पता नहीं क्या है, बल्कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं। लेकिन मैं और आप तो मौका परस्त लोग, ऐसे वक्त में दोस्त भी इंसान को सोच समझ कर बनाना चाहिए। आपने मौके का फायदा नहीं उठाया और मैंने उठा लिया, बस इतनी सी बात है। देखिए, अगर आप खामोश ही हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने सिर्फ अपने तक पहुंची हुई खबर लोगों तक पहुंचाई, वरना मैं कोई आपकी ताक में थोड़ी बैठा रहता हूं दीवाने आशिकों की तरह। ईमान के वकील के जरिए ये मवाद और खबरें मुझ तक पहुंची। तारीफ से सलार की करनी थी, लेकिन बिला वजह आपकी भी करनी पड़ गई। मैं, आप, वकला, हम लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, असल गेमर्स तो ये दोनों हैं, ईमान मंसूर मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप चालाक पे कह सकते हैं, मैं किसी से नहीं कहूं। जी
और उनका इंतजाम मैं करके आई। देखते हैं कौन कब तक बचता है। मतलब स्कूल में स्पीचेस करते थे जी, सही है। अच्छा हुआ मेकअप नहीं। मुझे टिश्यू देना, नहीं मुझे वो कर दो, कॉन्टूर सही कर दो इस साइड वाली। ईमान न्यूज़, हम आपको बताते चले, ये वाकया ना पुलिस में रिपोर्ट किया गया है, ना ही इसका कहीं और कोई नामो निशान है। ईमान एक मॉडल, एक पब्लिक फिगर और औरतों को इनके हुकूक दिलाने के दावेदार है। क्या अपने ही घर में काम करने वाली लड़की को इंसाफ दिला पाएंगी? आखिर क्यों इस मामले में खामोशी इख्तियार की गई है और क्यों इस बच्ची के घर वाले, जिन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया गया, हमसे बात करने को तैयार नहीं है? मामला यहाँ एक मासूम लड़की की इज्जत का है या एक सेलिब्रिटी की रेपुटेशन का है? ऐसे और बहुत से सवाल हम लाते रहेंगे आप तक। मैम, आपने ईमान के सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर्स चेक किए? बहुत तेजी से गिर रहे हैं। हाँ देखा है मैंने। उसके किसी इन्वेस्टर का नौकर था ना वो? जी, मामला पैसे देके रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हमारा नाम भी आ सकता है। हमारा नाम क्यों आएगा? हमने क्या किया है? मैम, ईमान को तो हम ही ने ऑन बोर्ड लिया है ना, और फिर वो हर जगह फाउंडेशन का नाम लेती फिरती है। सवाल तो हम पे भी उठाए जाएंगे कि हमने रेप विक्टिम के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। जो भी करना है आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, सोच समझ कर, जब तक उससे फायदा है, ठीक है? वरना मुझे अपना नाम गिराने का कोई शौक नहीं है। तुम जाओ, वो जो नया केस आया उसकी फाइल लेकर आओ। ठीक है। वो बात की बात है, मैंने पहले भी कहा है, पकड़ा जाएगा, वो जेल भी चला जाएगा, अपनी सजा तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसा मैं कह रही हूं भी वैसा कर ले। लड़की नाराज होकर गई, ये क्या फजूल बात है? इसमें इस पर भी तो सवाल उठेंगे, कौन शादी करेगा फिर इससे? कोई ना कोई तो कर लेगा। ये कहने से तो बेहतर है कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है। ना जी, लड़की खुद चली गई ये कहना बहुत बड़ा मसला है। सारे चच्चे मामे गले पड़ जाएंगे हमारे। अम्मा छोड़ दे, ना सुन इनकी बात। सुननी पड़ेगी, क्योंकि बात यहां मेरे नाम की है, सिर्फ तुम्हारे नाम की नहीं। और मैंने अपना नाम बहुत मुश्किल से बनाया है, समझ आई? और अपने घर की औरतों के पैसे पर जब नशा करते फिरते हो, तब किसी को जवाब देने होते? रखो इसे और वो करो जो मैं कह रही हूं।
फाइनली कुछ अच्छा आया तुम्हारी तरफ से। आई थिंक इट्स गुड टू गो। संडे एडिटोरियल के लिए अच्छा रहेगा। वेल डन बुशरा। ये बताएं कि अगली दफा क्या आ रहा है? म्यूजियम वाले आर्टिकल का क्या करना है? जो लारेब लिख रही थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे अच्छा है हमारे पास। उसको अच्छा लिखना नहीं आता। उससे लिखना नहीं आता तो जॉब क्यों दी थी? एक्सक्यूज मी, मैं पूछ रही हूं, जब उसे अच्छा लिखना नहीं आता था तो जॉब क्यों दी थी? उसकी डिग्री को देख के दी थी और तरस आ गया था। ठीक है, कोई इतनी खास रिसोर्स नहीं थी, गुजारा थी बस। ना लिखना चाहता था और करेक्टर दिमाग तुम्हारा खराब है। तुम यहाँ पे हर किसी का फायदा उठाते हो। बाहर बात सुनने आए सबको हाथ लगाया। गेट आउट इनटू हेल्प से। बाहर निकालो उसे, फाइट करो उसे। तुम क्या बोलोगे मुझे? मैंने अपना रिलेशनशिप दे दिया है। गेट आउट। क्या समझती अपने आप को? ये निकलवाने का इतना ही शौक है ना, तो मेरा भी सामान बाहर निकलवाओ। अगर हैरेसमेंट पर आर्टिकल लिखवाना ही है तो खुद पर लिखवाइए, ताकि यहां भी लोगों को पता चले कि असली हैरेसर्स हमारे घर और हमारे दफ्तरों में होते हैं। समझे? क्या देख रहे हैं आप लोग? तमाशा लगा हुआ इधर। बेटा जी, जी बेटा, thank you.
इस हॉल में जाऊंगा मैं, मुझे नए कपड़े चाहिए। कमाल है रजा साहब, वैसे आप लोग बात करते हैं इसके ज़हनी तवाज़ुन की और यहां इसको अपने कपड़ों की फिक्र है, क्या देख रहा है? जब रूह से बदबू आ रही हो तो जिस्म की बदबू का क्या करना। ए तू चुप कर, और तू, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ उठाया था ना तूने मुझ पे, तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं कौन हूं। तेरा पूरा खानदान खा जाऊंगा मैं, ये धमकी दे रहा। हाथ दूंगा तुझे तो छोड़ूंगा नहीं जिंदा मैं। बंद कर लौटा मैं इसको, इसको नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा, देख लेना। सॉरी, इतनी खामोशी क्यों है? हर तरफ उस लड़की की बात हो रही है, तुम क्यों चुप हो? ना टीवी पर कोई झलक। तुमसे मतलब? मदद कर रहे हो ना तुम उस लड़के की? दफा हो यहां से। मुझे जवाब चाहिए अस्पंदियार। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए तुम्हें? जवाब चाहिए तुम्हें? अपनी जबान बंद रखा करो। ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि तुम किसी को मिलोगी भी नहीं। तेरी जान लेकर आऊंगा मैं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।